दोस्तों, कुछ हो या ना हो, लेकिन एक सवाल हर किसी के मन में होता है कि आखिर मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ने या सुनने से क्या फायदा होता है। लेकिन इसका सीधा सीधा जवाब है कि अगर आप मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ते हो या सुनते हो, आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। और हमें दूसरों कहानियों से ये पता चलता है कि ऐसी कौन सी गलतियाँ है जो और लोगों ने की है और आपको वो गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसी कहानियां बताएंगे जिनमें आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। बुढ़ी माँ और उसका पोता की कहानी। एक बुढ़ी माँ जिसका पति मर चुका था, अब वह अपने बेटे बहू और एक पोते के साथ रहने लगी थी। परिवार में सुख समृद्धि बहुत थी, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन अब बुढ़ी माँ के हाथ पैर बहुत कांपने लगे थे और कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं कर पाती थी। उनके घर में शाम को खाना सब मिलकर खाते थे। बुढ़ी माँ का बेटा शाम को ऑफिस से घर आया तो उसे भूख बहुत तेज लगी थी। वह जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर भोजन करने के लिए बैठ गया, साथ में माँ भी बैठ गई। माँ ने जैसे ही खाने से भरी प्लेट उठाने की कोशिश की तो प्लेट हाथ से छूट गई और थोड़ी सी दाल नीचे गिर गई। बहू बेटे ने घूरते हुए माँ की ओर देखा और फिर से अपना खाना खाने लगे। माँ ने जैसे तैसे अपने हिलते हाथों से भोजन करना शुरू किया। कभी खाना कपड़ों पर, कभी टेबल पर, तो कभी जमीन पर गिर जाता था। बहू ने गुस्से में कहा, माँ कितनी गंदी तरह से खाना खाती है, इनको अब अलग बैठा कर खाना देना होगा, इसे तुम उससे खाया नहीं जाएगा, मुझे घिन आती है। तो उसके पति ने भी सिर हिलाकर हाँ कहा। ये सब छोटा बच्चा देख रहा था किस तरह मम्मी पापा दादी के बारे में क्या क्या बोलते थे। बहू ने अब माँ का खाना एक कोने में लगवाना शुरू कर दिया। यह सब देखकर माँ को बहुत दुख होता। वह रोते रोते कांपते हाथों से अकेले ही भोजन करती थी। एक दिन भोजन करते करते उसे वह समय याद आ रहा था जब वे अपने इसी बेटे को गोद में बैठाकर बड़े ही प्यार से भोजन कराया करती थी। वह बेटा भी अपना खाना मेरे कपड़ों पर गिराया करता था, मेरे कपड़ों को गंदा करता था, पेशाब करता था, लेकिन मैंने कभी भी उसे खाना खिलाना बंद नहीं किया, ना ही मुझे कभी घिन आई। अब मुझसे उन्हें घिन आती है, यह सोचती और अपने कांपते हाथों से आंसुओं को पोंछती उनका पोता यह सब रोज देखता था। एक दिन वह पोता अपनी दादी को देखे जा रहा था, तभी उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटे, तुम दादी जी की तरफ क्या देख रहे हो, अपना खाना जल्दी खाओ। बच्चा बोला, मम्मी मैं देख रहा हूँ कि बड़े होने के बाद मम्मी पापा बूढ़े होते हैं, तो क्या करना चाहिए ताकि वो गंदगी ना करे। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और मेरी पत्नी आएगी तब आप दोनों बूढ़े हो जाओगे और आपके भी हाथ पैर कांपने लगेंगे, तब मैं दोनों को भी कोने में बैठा कर खाना देंगे। बच्चे के मुंह से ऐसा सुनते ही दोनों धक से रह गए। उस बच्चे की बात उनके मन में बैठ गई थी क्योंकि बच्चे ने नदानी में ही सही अपने माँ बाप को एक बड़ी सीख दे दी थी। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अपने बूढ़े माँ बाप या अन्य किसी भी बूढ़े व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार न करें जिससे उनके मन को ठेस पहुँचे, क्योंकि एक दिन हम सबको बूढ़ा होना ही है। ये हमारी एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी थी। अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।